अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी मैं ये डिज़ाइन करूँगा ये वाला सेक्शन, ठीक है। इस जगह पे सेम यही साइज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस चीज़ को हम थोड़ा सा इस जगह पे नज़दीक कर लेते हैं, बल्कि नज़दीक नहीं करते हैं, शायद आप अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसको यहीं पे रख के डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला सेक्शन बनेगा, कर लेते हैं, और इसको हम ये ले आते हैं, इसको बॉर्डर लगा दें ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कहाँ पे, ठीक है। राइट बटन कन्वर्ट टू कर्व करें, और यहाँ से जूम कर लें 2 कर्व, इसको भी 2 कर्व करें। कर्विंग में आपको थोड़ी सी महारत लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, हम यहाँ से ब्लू कैम पहले नीचे वाला बनाते हैं, ये वाला सेक्शन इसके साथ ये वाला बनाएंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये शेप बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको यहाँ से राइट बटन कन्वर्ट टू कर्व कर लें और इसको कंट्रोल। अजान हो जी स्टूडेंट्स, अजान हो रही थी इसलिए सबसे पहले हम इसको कंट्रोल प्रेस करते हैं। यहाँ से हम इसको कर्व करते हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेक्शन है, उसके लिए भी आप एक इसी शेप को कॉपी कर लें, इसको भी थोड़ा सा कर्व करें। जी स्टूडेंट्स, उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इस सेक्शन की तरफ। हाफ रखें, कलर कॉम्बिनेशन सेम कर लें, एक सपोज ये है,
इसका कलर भी ये करें। इसको जूम करें, हमारे पास ये पॉइंट है और इस ऊपर वाले पॉइंट को भी पकड़ें और इसी पॉइंट पे रखें, जूम कर लें। इस शेप को पकड़ें, ये चीज़ आपकी बन गई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो नीचे वाला है, सब नीचे ये वाला। और इसका कलर हमारे पास जो आएगा वो ये, इसके बॉर्डर ख़त्म कर दें। राइट बटन, ये आ गया। और यहाँ जस्ट पॉइंट पे क्लिक करके इसको इधर मिला दें, जूम किया करें, गलती का चांस होता है, ताकि आप। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि हम इस पॉइंट पे इस शेप को क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ है कि आपको मैं ये सारे बेसिक टूल्स भी सिखाऊंगा, लेकिन ये जो कोर्स है ये एडवांस लेवल का है, यानी कि बिगनर लेवल का कोर्स है। आपको अगर कुछ कोरल ड्रा आता है थोड़ा बहुत, तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ, मैं आपको 3D लोगोस भी सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। नेक्स्ट मैं एक ट्यूटोरियल तैयार कर रहा हूँ जिसका जो मुकम्मल एक 3D लोगो होगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारी शेप बन गई। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है ये शेप। शेप स्टूडेंट्स यहाँ पे रखें इसको और यहाँ तक इसको ले आए। कोरल ड्रा में ज़्यादा काम कर्विंग है और कर्विंग पे आपको हाथ बिठाना पड़ेगा, हाथ बिठाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप कर्विंग कर सकेंगे। इस पे मैं तकरीबन अपने इस चैनल में तकरीबन 100 के करीब कोर्सेज डालूँगा जो मुकम्मल प्रोफेशनल लेवल पे होंगे और IT से रिलेटेड सारे कोर्सेज होंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उसमें ये होगा कि आपको वक्तन फवक्तन जिस तरह मैं वीडियोस अपडेट करूँगा तो आपको पता चलता रहेगा। स्टूडेंट्स फॉन्ट्स हैं, आपको जो अच्छा बिजनेस का फॉन्ट्स लगता है आप रख सकते हैं।
कंट्रोल के करें और इसका साइज आप यहाँ से बड़ा करें, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लगा दें और नीचे स्टूडेंट्स जस्ट टेक्स्ट है, आप शेप्स की सूरत में आप लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप के आपको मेरा लेक्चर समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें, ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, द ऑफिस नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दें।